आज हमारे सामने जो कंपनी है इसका नाम है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं इसे बाय का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत विभिन्न तरीके के कारण है, लेकिन मैं आज शुरू से करता हूँ फंडामेंटल से। इसे आज एक नया शब्द आया है, टेक्नो फंडा, यानी टेक्निकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं स्टॉक को और फंडामेंटल्स भी। तो एक है कि सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कंपनी करती क्या है। सो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिजाइन्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रो डिजाइन सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। तो मोटा मोटा ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के साथ जो है काम करती है। अगर हम की वेबसाइट पे जाते हैं तो एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं। ज़्यादा कुछ है, जो है मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि व्यूअर्स को पता होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं जो है कर क्या रही है ये कंपनी। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है। तो एक है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिज़ाइन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, पावर, मैकेनिकल, ये सब थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन मोटा मोटा जो मैं पता लगा पा रहा हूँ ये है कि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और डिज़ाइन सर्विसेज। तो सबसे अच्छी जो बात है हमारे आगे जो मैं पता लगा पा रहा हूँ ये कि मोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज और डिज़ाइन सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विसेज में। और अगर हम इसमें आगे जाएं तो इसकी जो बुक वैल्यू है 173 है, तो अराउंड जो पीबी बनता है मेरे ख्याल से, आई मीन 2 टाइम्स, मे बी टू टू 2.5 टाइम्स ओवर वैल्यूड है। पीबी जो है 2.5 होगा इसका। और जो मुझे सबसे अच्छी बात इसमें लगी वो ये है कि यार आप अगर देखें इसको, हो सकता है मैं जो है गलत हूँ, लेकिन एक मैं एक आत ऑब्जर्व कीजिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो गिर रहे हैं। तो बात अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो गिर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट भी गिर रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिस गति से गिर रहा है वो कम है एज कम्पेयर टू नेट प्रॉफिट का गिरना। यानी अगर हम कंपेयर करें नेट प्रॉफिट का गिरना पिछले साल से, यानी मार्च 2020 और मार्च 2021 को, तो मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 में नेट प्रॉफिट जो गिरा है वो 20% गिरा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो गिरा है वो 97 से लेकर 88, यानी हो सकता है 10% गिरा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है 10% से और नेट प्रॉफिट गिरा है 20% से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लेना देना होता है कोर इनकम से, कोर इनकम, कोर बिजनेस। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो नीचे आते हैं वो सारी अदर इनकम हो गई, इंटरेस्ट, जिनका बिजनेस के बाहर से लेना देना है, समझिए बात। और जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट की आइटम्स ज्यादातर सस्टेनेबल नहीं होती है, जो मेरा मानना है। अब जहां तक इसको जो इश्यू आ रहा है, जो मुझे लग रहा है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट ज्यादा है और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी ज्यादा है। चलो पहले इंटरेस्ट का देख लेते हैं कि इंटरेस्ट इतना बीच में आ रहा है तो इन्होंने बोरोइंग्स में क्या किया। देखिए तो बोरोइंग्स इन्होंने कम करी है 372 से लेकर 343, तो कई हद तक रिडेम्पशन हो गया है, और कई हद तक आने वाले सालों में जो है इंटरेस्ट का एक्सपेंस जो है वो गिरेगा, और सीधी सी बात है नेट प्रॉफिटेबिलिटी में बड़े बढ़ोतरी आ सकती है। दूसरा है हमारी जो चीज़ है वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन खैर इज नॉट एन बिग इशू, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है बुक्स में बताना पड़ता है, बट इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। एंड ये पूरा काम ही मैन्युफैक्चरिंग का है, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉर्मल थिंग। मुझे लगता है डेप्रिसिएशन पे अभी इतना ध्यान नहीं देना सकी चाहिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी ये कि नेट प्रॉफिट तो गिर रहा है मानो ना मानो, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की गिरने की स्पीड बहुत कम है एज कम्पेयर टू नेट प्रॉफिट की गिरने की स्पीड। और एक और चीज मैं आपको बताऊं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये पिछले 4 साल का ब्रेकआउट दे चुका है। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है तुम कितनी स्पीड से अपने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल्स का काम कर रहे हो। तो आई मीन मार्च 2018 में ये था 1.5, मार्च 2019 में था 1.54, फिर मार्च 20 में हुआ 1.53, और इसने ब्रेकआउट दे दिया, 4 ईयरली ब्रेकआउट दे दिया अपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। सो ये चीज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का बढ़ना इसीलिए अच्छा है, क्योंकि कभी कभी मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि प्राइजेस गिरते हैं अपने प्रोडक्ट्स के,
डिमांड नहीं है, तो उस टाइम पर हमारा अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो तो हम कम मार्जिन में भी जो है कम मार्जिन ऐड करके भी हम जो है सेम प्रॉफिटेबिलिटी सिक्योर कर सकते हैं जो पिछले साल की थी हमने नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो आपका, बढ़ता हुआ हो, तो इसका मतलब ये भी है कि आप जो है एबनॉर्मल कंडीशंस में भी अपने प्रॉफिट मार्जिन कम करके भी आप सेम प्रॉफिटेबिलिटी सिक्योर कर पाएंगे। और दूसरी मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसमें, अपार्ट फ्रॉम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और बोरोइंग्स का घटना, ये है कि DIIs का जो स्टेक है वो मार्च 2021 के क्वार्टर में बढ़ा था। खैर अभी आज जो वीडियो बन रहा है वो 28 जून को बन रहा है, डेटा आने ही वाला है इस क्वार्टर का, अभी हम कोई जजमेंट नहीं ले सकते, लेकिन इतना हमने डिस्कस कर लिया कि ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। बोरोइंग गिर रही है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है मानता हूँ, लेकिन वो गिरने की स्पीड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम स्पीड से गिर रहा है एज कम्पेयर टू नेट प्रॉफिटेबिलिटी। और एक और बात, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं हमारे इनके। और एक और बात, मैं जो अभी हम मैंने कहा था ना टेक्नो फंडा देखना है, तो टेक्नो फंडा में अगर हम देखें, अगर हम इसके ट्रेडिंग व्यू में जाकर अगर मैं इसके फंडा टेक्निकल्स देखूं, तो आप देखिए एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है जिसमें जो प्रॉपर सपोर्ट बन रहा है, मतलब बार बार कोई ना कोई 391 394 पे एक्यूमुलेट कर रहा है इसे। सो आई थिंक हम इस हम ज्यादा बड़ा मैं नहीं सोच रहा, लेकिन हम थर्ड हम जो इसका सेकेंड शोल्डर है, यानी ये लेफ्ट शोल्डर बना है, ये हेड है, हम लेफ्ट शोल्डर को हम राइट शोल्डर को तो इसके कैपिटलाइज कर पाएंगे। और आई थिंक राइट शोल्डर को जो है आई मीन 440 का टारगेट कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें अचीव करना, मुझे जो लगता है। सो 440 का टारगेट हो सकता है, हमें हेड जितना टारगेट नहीं रखना, हमें शोल्डर जितना ही टारगेट रखना है, समझ रहे हैं बात। और सपोर्ट बहुत ही तगड़ा है यार, आप देखें तो सही सपोर्ट, आई मीन ये जो सपोर्ट है वो पिछले 1.5 महीने से सेम भाव पर कोई ना कोई ले रहा है, 390 394। सो आई थिंक हमें देखना चाहिए कि भाई मार्केट, मानता हूँ मार्केट मिस प्राइसिंग करता है, लेकिन मार्केट इतना भी मिस प्राइसिंग नहीं करता कि बार बार उसी सेम प्राइस पे कोई ना कोई ले रहा हो। और हमारे साथ ये भी है कि भाई DIIs भी ने भी स्टेक बढ़ाया था पिछले क्वार्टर में। और एक सबसे बड़ी अब जो बात मैंने आपको बताई है वो ये है कि थीम इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर है, आपको भी पता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, आई मीन फेब्रुअरी तक तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का रहेगा ही मेरे को लगता है थीम, इलेक्ट्रॉनिक IT टेलीकॉम इनका थीम तो यार रहना चाहिए। और आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी बात है होगी कि जल्द से जल्द अच्छे रिजल्ट्स आए इसके और शेयर में कुछ ना कुछ राइज देखने को मिले, आशा यही है कि। लेकिन आपके लिए जो है मुझे लगता है जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 440 से लेके 443, जो करंट टारगेट में, इनिशियल टारगेट में बता सकता हूँ। और नेक्स्ट टारगेट जो है जैसे ही रिजल्ट आते हैं पता चल जाएगा कैसे टारगेट्स हो सकते हैं, 460 तक की भी रिवाइज टारगेट्स हो सकते हैं, बस प्रोवाइडेड है कि एक बार जो है हमारे आगे आई मीन हमारे आगे जो है अच्छे रिजल्ट आ जाएं एक बार, पर इनिशियल टारगेट 442 देना चाहूँगा मैं।